हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर कुर्ती। इसे बनाने के लिए मैंने प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। प्लेन फैब्रिक मैंने यहाँ पे 2 मीटर्स लिया है और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने 1 मीटर लिया है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से शोल्डर में लूँगी 7 इंचेस का, आर्म होल भी मिलूंगी 7 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे आएगा मेरा चेस्ट पार्ट, तो चेस्ट पार्ट में लूंगी यहाँ पे 11 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 2 इंचेस सिंगल आर्म्स के लिए ऐड करना है। तो ये हो गया मेरा चेस्ट पार्ट। अब ऊपर से कमर की लेंथ है मेरी 15 इंचेस, तो वहाँ पर मैं मार्क करूँगी। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। अब ऊपर से हिप्स की लेंथ है मेरी 20 इंचेस, तो मैं 20 पे मार्क करूँगी। और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की ब्रॉडनेस, वो है 12 इंचेस। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगी। टोटल लेंथ में ले रही हूँ 48 इंचेस, 2 इंचेस सिंगल आर्म को मिलाते हुए। अब जो ये हमारा हिप्स वाला पॉइंट है, इसे मैं क्रॉस में हमारी लेंथ तक एक्सटेंड करूँगी। तो ये मैंने क्रॉस में एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 3.5 इंचेस। और नेक की लेंथ में लूंगी 8 इंचेस। मैं यहाँ पे वी नेक रख रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो इस तरह से ये मैंने वी शेप बना दिया नेक का। ये आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस का, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पे एक मार्क करूँगी। अब यहाँ से मेरा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो इस तरह से ये मैं आर्म होल ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी बैक का नेक, तो 2 इंचेस डाउन पे एक मार्क करूँगी। अब यहाँ से ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया मेरा बैक का नेक। तो सबसे पहले मैं बैक का नेक जो है उसे मैं कट करूँगी और हमें यह आर्म होल हमें कट करना है। और जैसे हमने ड्रॉ किया था वैसे हमने कट कर लिया है। अब मैं अंदर से एक पार्ट को निकाल दूंगी, जो पार्ट हम निकालेंगे वो होगा हमारा बैक का पार्ट। और जो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे मैंने 2 फोल्ड करके ये जो हमारा नेक है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने नेक कट कर लिया है। अब हम ऊपर फ्रंट पार्ट में हम पैटर्न करने वाले हैं, तो हम उसे कट करेंगे। तो ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे मैं 2 फोल्ड में यहाँ पे रखूँगी। तो ये हमने बैक का पार्ट लिया है, उसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा हुआ है। अब मैं इसे आर्म होल और ये जो हमारी कमर तक की लेंथ है उसे मैं मार्क करूँगी। तो सेम वही शेप में हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। ये फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है। अब मैं इसे हटा दूंगी। अब यहाँ से हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो नेक की लेंथ में ले रही हूँ 3.5 इंचेस, तो यहाँ पे मैं नेक ड्रॉ करूँगी। इस तरह से ये मैंने नेक ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मैं शेप बनाऊंगी, तो इस तरह से कर्व शेप, थोड़ा सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह का शेप मैं बनाऊंगी।
यहाँ पे इसे इतना ही पोर्शन हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो फैब्रिक को फिर से मैंने 4-4 में रखा हुआ है और ये 4-4 मैंने अप्रॉक्स 9.5 इंच लिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और यहाँ से मैं 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करूँगी और यहाँ से मैं स्लीव्स का शेप बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ 19 इंचेस, 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करते हुए। और यहाँ पे मैं लूँगी स्लीव्स की ब्रॉडनेस 6 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो इस तरह से ये मैंने स्लीव्स ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट करना है। तो ये हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले मैं नेक पार्ट बनाऊंगी। तो नेक के शेप की मैंने इस तरह से स्ट्रिप कट कर ली है बचे हुए फैब्रिक में से। ये मेरा राइट पार्ट है। उसके ऊपर स्ट्रिप को मैं उल्टा रखूंगी और इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। उसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी इस तरह से अरेंज किया हुआ है। ये मेरा राइट पार्ट है। उसके ऊपर मैंने उल्टा रख के यहाँ पे नेक पे सिलाई लगानी है। उसी तरह से हम इसे भी अरेंज कर दिया है और यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम नॉचेस लगाएंगे। तो हल्के हाथों से आपको नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे आपको डबल फोल्ड करना है रॉन्ग साइड पे और सिलाई लगानी है। डबल फोल्ड करते जाना है और आपको सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम तीनों नेक तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। तीनों नेक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो ये हमारा कव वाला पोर्शन है उसे हम तैयार करेंगे। तो मैंने कव शेप में स्ट्रिप को कट कर लिया है। उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ये हमारा राइट पार्ट है। उसके ऊपर स्ट्रिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे नॉचेस लगाऊंगी। तो ये नॉचेस लगाने हैं आपको हल्के हाथों से। उसके बाद मैं इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करूंगी। तो इसे बस सिंपली रॉन्ग साइड पे टर्न कर देना है और रॉन्ग साइड पे टर्न करके आपको यहाँ पे प्रेस लगा देनी है ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करके प्रेस लगा दीजिए। ये देखिए हमने इसे बैक साइड पे टर्न कर लिया है और यहाँ पे प्रेस लगा दी है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। तो ये मेरी राइट पार्ट है। उसके ऊपर इसे भी हमें राइट साइड पे ही रखना है और दोनों आर्म होल से आर्म होल मिलाना है अच्छे से। और यहाँ पे आपको सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स करना है यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक हमें इसे फिक्स करना है। ये देखिए हमने फिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये मेरा राइट पार्ट है। उसके ऊपर बैक पार्ट को मैं उल्टा रखूँगी और दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग करनी है और यहाँ पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये मेरा राइट पार्ट है। उसके ऊपर स्लीव्स को आपको उल्टा रखना है
और यहाँ से सेंटर से मैं स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करूँगी। तो दोनों तरफ से आपको स्लीव्स को ज्वाइन करना है और उसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइन करना है। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम स्लीव्स के बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे आप रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरह से डबल फोल्ड करके बस सिलाई लगानी है। उसी तरह से दूसरी स्लीव्स की बॉर्डर भी फोल्ड करनी है। स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करने के बाद मैंने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है फिटिंग के लिए। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट पार्ट में लूँगी 19 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करना है और आप चाहे तो 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। ऊपर से कमर की लेंथ है मेरी 15 इंचेस, तो वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। और हिप्स की लेंथ है मेरी 20 इंचेस, तो वहाँ पे भी मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो है 15 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है अच्छे से। यहाँ पे मैं स्लीव्स की ब्रॉडनेस लूंगी 9 इंचेस, 4.5 इंचेस। अब यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है। उसी तरह से दूसरे स्लीव्स की भी फिटिंग करेंगे हम और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हम नीचे 1 इंच के डिस्टेंस पे नीचे तक एक्सटेंड करेंगे। उसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी फिटिंग करूँगी। तो इसी तरह से हमें फिटिंग करनी है। ये देखिए हमने फिटिंग कर ली है और मैंने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करूंगी और सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ये हमारी कुर्ती बिल्कुल तैयार है। सो गाइस, तैयार है हमारी डिजाइनर कुर्ती एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।